आपकी आवाज नहीं आ रही है। माइक बंद है आपका, साउंड बंद है। हाँ सर, अब ठीक है, आ रही है? मारिए। सर, मैंने ना कुछ स्टॉक्स देखे थे, स्पेशली वो वाले भी जो हमने लास्ट कॉल में बात की थी ना, जैसे HDFC लाइफ इंश्योरेंस, सी एंटरटेनमेंट, शीला फॉर्म, रेमको, डालमिया। सर, मतलब ऐसा लग रहा था कि उन सब में तो बाइंग अभी बन ही नहीं रही है, जो उस टाइम पे हमें वीक के शुरू में लग रहा था जैसे कि सब में ट्रेड तैयार है, या तो मेरी वर्किंग में हो सकता है कुछ गड़बड़ हो, नहीं या नहीं फिर। मैंने कहा था वीक का वेट करेंगे। सही है। हाँ जी, हाँ जी। उनमें से दो स्टॉक मेरे सामने बनाओ अभी उठा अच्छा, के। एडीसी लाइफ कुछ भी ले लो, दो स्टॉक का कोई चलो भी। HDFC लाइफ लेते हैं, HDFC लाइफ इंश्योरेंस। एटलीस्ट कॉन्फिडेंस है आप काम का बार बार करेंगे तो बन जाएगा। ठीक है जी, ये सभी की लर्निंग हो जाएगी, मैं इसलिए बनवा रहा हूँ आप लोगों के। हाँ जी, हाँ जी। सर, वैसे तो जैसे हमने लास्ट टाइम बात की थी, तो हम तो मंथली चार्ट से स्टार्ट करते हैं बिल्कुल स्टेप तो वही है, मंथली ना, सेट तो पर पहली लाइन होती है। अच्छा ठीक है सर, तो एट ईयर एंड मंथली, इसमें हमें सबसे पहले ये मेरा सपोर्ट हुआ, ये मेरा, नीचे वाली पॉइंट को छोड़ सकते हैं क्योंकि हमारे ऊपर के मतलब जब प्राइस के ऊपर ये। हाँ हाँ जी, हाँ जी, ऊपर ले जाऊँ फिर हाँ मैं ये सीधा। चले। या वेट 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 अभी हाँ जी, जो लाइन हटा लगाई इसको हटाओ। देखो वो ऊपर टच करने के बाद प्राइस कहाँ पे गया है। दो कुछ पॉइंट है ना, उन दोनों को पॉइंट नीचे तक गया है ना। इसको टच करके, सर हाँ ऊपर जो टच करके प्राइस कहाँ पे गया है। हाँ इसको टच करके यहां से फिर नीचे बिल्कुल गया। नीचे गया ना, तो इस आपने ऊपर पैंट ब्रोकरी इसको हटाओ नीचे। जो फाइव सेकंड लास्ट का भी ब्रोकरी आपने 569 वाली। हाँ ये वाली। सिक्स हाँ ये इसका, वाली, हाँ इसको हटाना पड़ेगा। अच्छा हाँ टाइम लगेगा तो चार्ट में मास्टरी करने पे। अच्छा सर, जैसे इसके पास यहां से जाके, ऊपर देखो दोनों पॉइंट कैंडल पास पास में दोनों को एक कंबाइंड कर लिया, उसके बाद कहाँ गया प्राइस इसके सीधा नीचे गया। गया था, राइट। तो अच्छा, बनेगा मतलब इसको इग्नोर कर देंगे क्योंकि ये एक्चुअली। दोनों काइंड ऑफ तो अब यहाँ से नीचे चला गया, नीचे का मैं अभी नहीं लगा रहा, फिर ऊपर गया, यहाँ पे सेम पॉइंट है, फिर नीचे गया, ये काइंड ऑफ सेम ही है। हाँ ठीक लगा सकते हो, लगा रहा जाए तो पैनिक। है, फिर यहाँ के बाद प्राइस सीधा ऊपर चला गया, उसके बाद सर यहाँ आ गया, फिर ऊपर गया। जैसे जैसे जितनी आप थोड़ा टाइम के साथ ये प्राइस को बिहेव को समझ पाएंगे, मतलब स्लो स्लो चल के कौन से इंपोर्टेंट का पॉइंट से कहाँ पे जा रहा है क्या करना है। तो इसके बाद आया यहां पे, हाँ देखो हमारे फाइनल हो गया, ज्यादा जरूरत नहीं अब। सही है हमारे ठीक है जी सर। जैसे दो। अगर मैं बाई चांस इसको फॉलो करता हुआ आता, तो शायद यहां भी ड्रॉ करता है। मान लो कर लो, कर लो, करो करो। ठीक है सर, मैं कल ना उस दिन HUL का देख रहा हूँ, ऐसा ही चार्ट मेरा ऐसा भर गया लाइनों से। कोई बात नहीं, सिंपलीफाई हो जाएगा। क्या प्राइस ओके जो मेन पॉइंट्स हैं उनको फोकस करना होगा हमारे को। ठीक है अभी सर, जो इसमें दो मैजिक लाइन को उठाया, जो देखो वैल्यू क्या है। हाँ एक मिनट सर, ये वाली हो गई तकरीबन 560, दूसरी बहुत दूसरी हो गई 618, पाँच बढ़िया, आ जाओ उस पर आ जाओ। सौ साठ और 618। अब मैं 1 ईयर पे जाते हैं एंड इसको वीकली करते हैं, 560 एंड 618। अब सर इसको देख के तो ये, क्योंकि मेरे को मतलब मेजर पार्ट ऑफ दी बुलिश कैंडल इज अबव दी सपोर्ट लाइन, तो एग्जैक्ट ये exactly. ट्रेड बनता है, मतलब बिल्कुल बंद है। अभी ऐसा लग रहा है कि मतलब हम ट्रेड सेटअप बना सकते हैं। आगे चलें सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एंट्री होगी। अब हमारी मैजिक लाइन के ऊपर ये बुलिश पैटर्न बन रहा है,
हाँ और जी हमारा 50% ऊपर है कैंडल, तो हमको लेने में कोई हार्म नहीं है, सही है? ठीक है सर। तो सर अब और जैसे इसका एंट्री प्राइस क्या होगा, CMP? जो करंट प्राइस है वो 5-1 रुपए नीचे भी मिलता है, तो उसको भी हम ले सकते हैं। ठीक है, तो मैं लिख लेता करंट हूँ प्राइस अभी कि करंट क्या डाल दो जो अभी 565 to 569, सेवन। हाँ 570 हो गया। चलो उसका टारगेट हो गया 618, बहुत बढ़िया। उसका स्टॉप लॉस हो जाएगा सर इसका लो 538। या 538 एंड देन मेरा RR हो गया, एक मिनट, 600, 569 सर, मैं 569 के हिसाब से ही कैलकुलेट कर रहा हूँ। बिल्कुल 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 569 - 538 इज 31 इज माई रिस्क राइट। डिवाइडेड बाय, अगर 569 + 618 तो 49 इज माई रिवॉर्ड। सो ज्यादा थर्टी आएगा जल्दी डिवाइड निकल जा रहा है ये टारगेट में, सर टारगेट में से माइनस करो अपने इसको एंट्री पॉइंट को। 618 - 569 49 है सर, 49 ही है। अच्छा नहीं ज्यादा आना चाहिए, मेरे को गलत क्यों आ रहा है? 31 डिवाइड बाय 49 जो कैंडल यहाँ पे प्राइस देखो ना सामने, जो कैंडल हमारे को नजर आ रही है सही है, 1:2 तो बन ही रहे कम से कम। सर क्या कह रहे हैं? एक बार कैलकुलेट देखो, मतलब देखो यहाँ पे जो कैंडल फॉर्मेशन आ रहा है आपको, एक जो कोई और रिचेक करिएगा जरा। अच्छा इसमें इसमें एक काम कर सकते हैं, हेलो हाँ जी और क्या कर सकते हैं बताओ? सर, क्या इसका हाई टारगेट ले सकते? नहीं, टारगेट तो वही रहने वाला ओके सर, है। एंड एंड राइट थोड़ा वेट कर सकते हैं कि प्राइस थोड़ा नीचे आ जाए? राइट, मतलब वही लगाना है। अब यहाँ पे कुछ लुक्रेटिव नजर नहीं आ रहा है ना थोड़ा सा, यानी कि प्राइस थोड़ा सा नीचे मिलता है तो फिर हमारा और थोड़ा बेटर हो जाएगा, सही है? ठीक तो ट्रेड बेटर हो जाएगा। हाँ जी हाँ जी सर, मेरे को है ऐसे ऐसे मुझे 2-3 ट्रेड मिले हैं जिसमें अगर मैं CMP पे घुसता हूँ तो मुझे प्रॉफिट नहीं है, अगर 10-20 पॉइंट नीचे मिलता है तो बढ़िया बहुत बढ़िया बात, मतलब ये पॉइंट को देखना है, मतलब यहाँ पे कुछ इतना बेटर नहीं पड़ है। पा, लेकिन नीचे मिलेगा तो उसको कर पाएंगे। क्लियर? हाँ जी हाँ जी बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो ये तो फिलहाल अभी 0.6 है, जो मतलब बहुत बढ़िया नहीं है, हाँ मतलब ले सकते हैं ज्यादा, ले मतलब सकते हैं पर। हाँ और नीचे मिलेगा तो बहुत बढ़िया बन जाएगा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी ठीक है। और दूसरा काम क्या कर सकते हैं इसमें, एक तो ये हम तो एक एंट्री कर सकते हैं, दूसरा क्या कर सकते हैं आप? माइंड लगाइए सभी लोग ट्रेड को बेटर करने के स्टॉप लॉस लिए। कम कर सकते हैं, है स्टॉप लॉस कम कर सकते हैं सर, करंट कैंडल का लो ले सकते हैं। यस ये निकल गया है ना, गुड गुड। स्टॉप लॉस को कम करने को क्या करेंगे बताओ? सर करंट कैंडल के हिसाब से उसका ले लेंगे लो, कितना बन रहा है है करंट कैंडल के हिसाब से लो। यस यस, यानी कि हमारा बुलिश इससे बना है ये, अगर ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अगर बुलिश इसको नीचे तो पहले हम पहले भी निकल सकते हैं, सही है? बहुत बढ़िया नीरज। इस करंट कैंडल का लो क्या है? 547 547 तो लो कितना बताया ना, 547 547 तो एक पॉइंट और नीचे आ जाओ। मतलब 546। यस 546 का करो उसका स्टॉप लॉस, सही है? ओके क्योंकि अगर बुलिश कैंडल हमारा वीक पड़ रहा है तो हम भी थोड़ा सा पहली बार हो जाएगा नीचे तक और क्यों जाए, सही है? तो हमारा यहाँ पे आराम थोड़ा बेटर हो जाएगा, ओके यानी कि स्टॉप लॉस लॉजिक से हमें चेंज करना है। क्या ओके फाइव आप देखो हमारा चेंज, सारी फिगर चेंज हो जाएंगी। सिक्स नाइन लेस में 546, तो रिस्क इज 23 एंड टारगेट इज 61, दैट विल रिमेन सेम। 20
डिवाइड बाय 49 देन इट विल बी 0.5। पॉइंट 47 है मतलब। नहीं, अब रिवार्ड से आया सर रिवॉर्ड सर, तो उतना वन ही इज टू टू का रहेगा, हो गया ना, अप्रोक्स 1:2 हो गया वन तो इज टू टू हो गया। हाँ क्या? यस यस, तो बेटर आप ट्रेड इस पोजीशन में लेने में बढ़िया है, सही है, बहुत ठीक है जी। बढ़िया बहुत बढ़िया। एक्चुअली ये थोड़ी आरएनडी करनी है, स्टेट तो बन रहा है मतलब है, पर उसको हमको और अपने बेटर कैसे बढ़ा सकते हैं ओके हाँ लॉजिक वे में। क्लियर हो पा रहा सभी को? ओके जी okay, यस बहुत सर। बढ़िया। भूपेंद्र जी एक एक यहाँ पर और चेक कर सकते हो सर, अगर अलाउड हो। मैं लैपटॉप पे नहीं हूँ। हाँ हाँ बताइए मैंने व्हील्स इंडिया लिमिटेड, मैंने आज एक चेक करा था, क्या नाम है, व्हील्स इंडिया लिमिटेड। चैट में भी लिखा है। एक्चुअली शुरू से करूं चेक? मैंने आज हाँ हाँ बिल्कुल, एक्चुअली मैंने आज इसका चेक करा था, तो वीकली कैंडल में इसका बुलिश इंगल्फिंग बन रहा था, तो आई थॉट कि थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग एडवांटेज मिल रहा होगा उस पर। और बन कहाँ पे रहा वो इम्पोर्टेंट पार्ट बनता है। बहुत बढ़िया, सर सीधा ऊपर ही ले जाऊंगा ना इसको मैं। हाँ नीचे आ जाओ, अपने हमें नीचे का पॉइंट पकड़ना है, और नीचे आ जाओ। हाँ चलो जाओ, ऊपर वाला छोड़ रहा हूँ सर, नीचे आएंगे तो यहाँ आ जाएगा, फिर यस सर ये ऊपर गया तो यहाँ गया। बस रुक जाओ। देखो अभी हमारा, देखो हम सपोर्ट रेसिस्टेंस के बिल्कुल बीच में है, देख पा रहे हैं हम लोग हाँ जी हाँ ये मैजिक लाइन के, इनकी वैल्यू देखो, और वीक में आ जाओ, वीकली पे आ जाओ, 544 एंड 544। 627। सर इसमें एक चीज चेक कर सकते हैं, जैसे आपने बोला कि हम मैजिक लाइंस के बीच में, तो सिंस उसमें हमको पहले एक तो दिख रहे हैं 2021 और 22 के बीच में, और 3 और 4 के बीच में व्हाइट कैंडलस्टिक्स आते हैं, जिसमें इसी पॉइंट के बाद एकदम से ऊपर चले जाता है ये शेयर। कोई बात नहीं, अभी हम जो भी हमारे रूल्स को उसको एक बार फॉलो करना ही पड़ेगा। ओके हमारा बन रहा है, पर ओके हमारा आरआर बन रहा है वहां पे, हमारा लुक्रेटिव है नहीं है वीकली पे मार्क को पॉइंट्स को। हाँ सिक्स 27 540 सर कोई बात नहीं, इसको एक लाइन और थोड़ा सा ऊपर भी मार्क कर लेते हैं, पर इसमें हमारा रिस्क रिवॉर्ड ना, एक लाइन और मार्क कर लो वीकली चार्ट के बेसिस पे, यहाँ पे पीछे सपोर्ट आ रहा है। हाँ ये देखो, अगर यहाँ पे हम बाइंग भी करते हैं तो यहाँ पे हमारा रिस्क रिवॉर्ड 1:1 का आ रहा है, देख पा रहे हैं आप लोग? हेलो, हाँ जी देखो ये ट्रेड तो बन रहा है, पर यहाँ पे हमारा रिस्क रिवॉर्ड इस करेंट रेट पे ना 1:2 बना रहा है, लेकिन प्राइस अगर नीचे आता है, ये 570 के आसपास मिलता है, 80 या 70 के आसपास, तो वहां पर लेना बनता है। यहाँ पर हमारा आरआर वाइस का है, हमारा चॉइस हमें जाना है नहीं जाना, जितना हमारा प्रॉफिट होता है हमारा लॉस आ रहा है, ये हमको डिसाइड करना है हमें जाना नहीं जाना, राइट? ट्रेड अच्छा है, ट्रेड बट सर अच्छा है, लेकिन बेटर है कि अगर थोड़ा सा प्राइस नीचे आता है देन वी हैव टू टेक दैट, राइट? ओके वही मेरे को, क्योंकि मेरे को ऐसा लगा था जैसे यहाँ पे इंगल्फिंग बन रहा था ना, देन वो प्रीवियस प्रीवियस ट्रेंड में उसी पॉइंट से ऊपर उठा बार बार, तो मेरे को था कि यहाँ लेकिन पे तुम शायद पोटेंशियल दिख रहा हो। जो हमारा टारगेट है पहला आ रहा है वो हमारा 1:1 के आसपास का रहा है, ट्रेड अच्छा है, लेकिन मैं रिवार्ड्स हमारे को जितना जा सकता है उतना ही मिल पा रहा है, तो हमें जाना है नहीं जाना, ओके अपना इंडिविजुअल चॉइस है, मैं नहीं कह रहा नहीं जाना, आप जा सकते हैं, थोड़ा लॉन्ग टर्म हो जाएगा ये। नहीं अभी लॉन्ग टर्म सोचते ही नहीं, हमारा तो जो टारगेट मिल रहा है वहां पर प्रॉफिट लेके बाहर होना है। नहीं सोच वेरी वेरी मच क्लियर है, उसमें कोई डाउट वाला बंदा ही नहीं है, क्लियर? हाँ जी बिल्कुल। आ जाओ बाहर आ जाओ, कोई थैंक यू भूपेंद्र जी। वेलकम जी। सर बाहर आ जाऊँ? हाँ जाओ बाहर। देखो एक लर्निंग ये मिल पा रही है, ट्रेड्स करेंगे तो बहुत सारी इक्वेशन बन पाती है,
हमें रुकना है, रेट कब बढ़ना है, क्या कुछ है, कब आएगा नहीं आएगा, माइंड से निकाल लेना। हमें अपने को एक आरआर को मैनेज करना है और इसको मैनेज करना है। ओके जी चंचल आप लैपटॉप पर हैं? श्याम सर, लैपटॉप पर हैं आप? जी सर, एक से एक आठ आठ दो ब्रेक आपको। सेकंड। भूपेंद्र कोई स्टॉक और आपको डिस्कस करना है? चलो सर क्लीन साइंस, आप ही लेके आओ पहले, क्विकली ड्रॉ करो सामने। ठीक है। मैंने बताया ना, आप काम अब आप लोगों का काम करने का है। ट्रेड बेल्ट है, इसमें बढ़ना है, गलत होता है सही होता है, होने देना है, होने देना है। ठीक है जी, बहुत सारी चीजें प्रैक्टिकल करेंगे तो वहां पे और रिफाइन होते चले जाएंगे। बहुत बढ़िया। देखो इस चार्ट को सभी लोग देखो, अभी ऑनलाइन मत करो भूपेंदर, हाँ सभी जी लोग को देखो उसको, क्या आप यूटिलाइज कर पा रहे हैं? सर, प्राइस ऊपर से नीचे आया है। अच्छा वेट वेट बोलना नहीं, अभी सभी लोग देखो आराम से। हाँ 24, ये 2700 से फॉल होता हुआ 1300 पे आ गया है, आधा हो गया। और एक साल से देखो प्राइस क्या है, एक ही मतलब एक बेस को तैयार कर रहा है, देख पा रहे हैं आप लोग? हाँ जी, यानी कि 27 से हाँ ऑलमोस्ट आधा मतलब हाफ ही हो गया, देखो देख पा रहे हैं आप लोग? जी, हाफ हो गया जी। और हाफ होने के बाद वो एक साल से प्राइस ना एक बेस पे रुका हुआ है, देख बहुत क्लियर कट पिक्चर आ रही है, यानी नीचे से बार बार रुक रहा है, वहां से बाइंग आ रही है, फिर नीचे आ रहा है, वो इंपोर्टेंट पॉइंट आ रहे हैं। अब लाइन ड्रॉ करो, एक इसमें अच्छा ट्रेड आने वाला है, उसी को पकड़ने वाली बात है। सर यहाँ ऊपर बनती है। हाँ हमें नीचे वाले पॉइंट को पकड़ना है, वो मान मान जी, यहाँ फिर ये कि ये होगी, पर हम नीचे आ रहे हैं तो नीचे बनेगी यहाँ पे। इसके बाद ये गया यहाँ, इसके बाद ये बहुत। पर देखो यही है। भूपेंद्र, हाँ भूपेंद्र जो आपने लाइन ली ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये यहाँ पे प्राइस मिलता था, हमें इसको लेना ही लेना है। आप पिछले एक साल से देखो प्राइस यहाँ पे आ रहा था, बार बार रुक रहा है, वहां से बाइंग आती जा रही है, देख पा हाँ रहे हैं जी, आप? हाँ जी, हाँ जी, ये रही। हाँ तो ये इंपॉर्टेंट मिल गया, क्या लेवल है, क्या वैल्यू है इसकी? सर ये 1276, हाँ इसको मार्क करो वीकली में। 1276 एंड ऊपर वाली है 1432, बारह चलो सौ छिहत्तर 1432। ओके जी, यहाँ पे नीचे वाला बहुत इम्पोर्टेंट लेवल है, उसके बाद उसको हम आगे तक कैरी कर सकते हैं, एक अच्छा ट्रेड बन सकता है। एक साल से मार्केट भागता जा रहा है पर ये वहीं पर रुका हुआ है। 1276 सर कितना था ऊपर वाला? 1428, 32 का सर, हाँ 1433, 39। देखो ये कच्चा ट्रेड है, ये भी है, इसको अभी यहाँ पे अगर हमें 100 रुपये डालें, 50 रुपये यहीं पे डालें, और थोड़ा नीचे आता तो 50 रुपये और डब्बा डालें, तो इसको आगे तक कैरी ले जा सकते। सर इसके केस में स्टॉप लॉस कैसे लेंगे? इस केस में ये 1280 के नीचे का स्टॉप लॉस देंगे, ये नीचे तक हमारा ये बाइंग है, देख अच्छा, ना तो पूरी साल से हाँ देखा ना हमने, हमारे नीचे से बाइंग आ रही है, ये जी, 1280 से लेकर कहाँ पड़ा हुआ, ये पूरा प्राइस हमारा बाइंग है, ओके और इसको बाइंग के लिए हमें थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। 100 रुपये डाले तो 50 रुपये अभी डालो, 50 रुपये नीचे आता है 1300 के आसपास आएगा, तब बाइंग करेंगे। तो सर जैसे अब ऐसे मैं ऐसे पूछू, जैसे हम लेमन की लैंग्वेज में सोचे, सर प्राइस नीचे आ रहा है तो मतलब इट इज स्टिल गुड टू बाय,
नहीं, इस पर्टिकुलर इस वाले केस में देखना, एक साल से प्राइस ने बेस बना रहा है, ये बेस बना रहे हैं। हाँ जी गुड स्टॉक है, बिल्कुल बिल्कुल बॉटम पे मिल रहा है, ठीक है सर। ये डिफरेंट है ना, एक साल से देखना प्राइस ने बेस बना रहा है, तो ये हमारे बहुत अच्छा रेट्स मिल पा रहा है इसको, यहाँ से लेके ये हमारे को थोड़ा सा टाइम और देंगे तो एक अच्छा रिटर्न मिल ले पाएंगे। इस वाले स्टॉक को आप थोड़ा सा टाइम लेके आगे लेके जाना चाहें ले जा सकते हैं, ठीक है सर ये पहला प्रॉफिट तो है वहां पे, तो 5% आपको, 5 या कुछ तो जो है प्रॉफिट बुक करना, बाकी को कैरी कर सकते हैं आगे तक। ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, आ जाइए बात। देखो ट्रेड्स आप करेंगे बहुत, हर स्टॉक्स में ना नया सीखने को मिल पाएगा, देखा हर में कुछ ना कुछ नया सीखने को आ पा रहा है, तो आपको अपने को प्रैक्टिस करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है, सही है। ज्योति एक स्टॉक बताओ आपका, मैं चार्ट बनाता हूँ आपके सामने, इसको देखते हैं। सर नील कमल सर, नील कमल, स्पेलिंग क्या आ रही है नील कमल? तो NILK, तो एन थोड़ी डिफरेंट है सर, NILK NILK नील के। कमल, नील कमल है। अच्छा नील कमल लिमिटेड है, हाँ सर, नील कमल लिमिटेड। ओके सर, स्क्रीन शेयर कर रहे हो आप? समय एक मिनट, अच्छा देखो ज्योति ये बिल्कुल सेंटर में, मतलब ये देख पा रहे हैं, ये हमारे दो मैजिक लाइन की ये लिखी है, हम लोग प्राइस बिल्कुल बेच सेंटर में देख पा रहे हैं आप लोग। हाँ जी इसको नीचे आता है या ऊपर जाता है तो वेट करना पड़ेगा, यहाँ पे अभी कुछ नहीं इम्पोर्टेंट नहीं आ पा रहा। सर, अभी तो कंडीशन भी मीट नहीं कर रहा कि बुलिश पैटर्न कैंडल होनी चाहिए या पैटर्न होना चाहिए ये टाइप। बुलिश तो बन गया अपन, यहाँ पे हमारा RR पैटर्न नहीं आ रहा, मतलब यहाँ पे कुछ लुक्रेटिव नहीं नजर नहीं आ रहा, सही है ये। बहुत बढ़िया, और किसी का कुछ क्वेश्चन गाइस? सर जैसे लास्ट टाइम क्लास में ना, हम जब 52 वीक लो वाले स्टॉक देख रहे थे तो आपने कहा था कि सीधा वीकली चार्ट पे आ जाओ। हाँ, जो साल के लो पे वो वीकली पे टेक कवर करना है, जो साल के लो पे सर चला उसके केस में फिर हम टारगेट कैसे लेंगे? 5%, 50%, 5%, बाकी को कैरी करके स्टॉप लॉस के ऊपर। 5% हमारा मिल रहा है तो हमारे को आधा तो वहां बुक करना है, और स्टॉप लॉस को उठा के हमारे प्रॉफिट में लगा देना, बाकी बाकी जो बचा हुआ है 20% को आगे ट्रेल करते हुए चले जाना है आपको, 10-20 जहां तक ले जाना जाए। अच्छा, तो जो सेकंड 50% को मैं आगे करके ले जाऊंगा, उसके लिए मेरा स्टॉप लॉस क्या होगा जो मैंने जहां पे प्रॉफिट बुक किया है? हाँ मतलब जो वीकली कैंडल पे मार्क करेंगे आप, हाँ जी वीकली कैंडल आपको देखें ना, जो भी लो है उस वीकली कैंडल के लो पे मार्क करेंगे। अच्छा, वीकली कैंडल के लो पे ही मार्क करेंगे सर। वो तो एक एक ऐसा स्टॉक देखें। वेट वेट, पहले 5% लेना चालू करो प्रॉफिट को, अच्छा उसके बाद स्टॉप प्रॉफिट को स्टॉप लॉस में लगा दिया, उसके बाद 10% आ रहा है प्रॉफिट लेके बाहर होने का, अभी ज्यादा माइंड में नहीं लगना। 5 और 10 का दो टारगेट रखना है, 5 और 10, ठीक है पहला 5 ले लिया तो स्टॉप लॉस को उठा के प्रॉफिट में लगा दिया। सर। स्टॉप लॉस को उठा के प्रॉफिट में लगा दिया, मतलब जहां पे प्रॉफिट बुक किया वो मेरा स्टॉप नहीं लॉस नहीं है। मतलब हाँ उसके नीचे लगाना है, वो तो एकदम टिकट हो जाएगा ना, हमारी एंट्री और प्रॉफिट के बीच में लगाना है। अच्छा, ठीक है, मतलब वो भी थोड़ा ट्रेल ऊपर ले जाए।
पहले नीचे था स्टॉप लॉस, अब ऊपर ले जाऊं, है ना? ठीक यानी कि प्रॉफिट वाला लॉस में नहीं जाना चाहिए। ठीक है ठीक है। अभी आपको ना इम्प्लीमेंट कर, जो ये आपकी लर्निंग है इसको इम्प्लीमेंट करना है गाइस। ओके ठीक है चलिए, आप लोग इसको इम्प्लीमेंट चालू करेंगे। गलत होता है सही होता है, होने देना है, मतलब आपको इम्प्लीमेंट करना है। और पहला टारगेट 5% का लेने का रखना है, बाहर लेके बाहर हो जाने का है। और पहले तो 5 लेके बाहर होने की प्रैक्टिस भी लेके आ रही है, मैक्सिमेशन बाद में करना है। जब आप ये करेंगे तो आपको ना सेम स्टॉक बार बार मिल पाएगा, दो दो बार मिल जाएगा सेम स्टॉक, तीन तीन बार मिलते हैं। ओके। या और किसी और का किसी का पर्टिकुलर क्वेश्चन डाउट? सर मैं एक चार्ट मार्क करूं? हाँ करो। ज्योति ज्योति कोई कोई स्टॉक दो को सब। वेदांता फैशंस कौन सा? वेदांता फैशन वेदांत फैशन माने पर आपका बोलती चार्ट शेयर नहीं हो यही रहा है। इसका। अब हो रहा है हाँ हो रहा है। यही वाला चार्ट है? नहीं ये वाला नहीं, वेदांता नहीं, ये वाला तो वेदांता है। VED इसका इसमें मान्यवर ढूंढोगे तो वेदांत क्लियर फैशन रहेगा। मान्यवर डालो, एन एम एन। ये तो ट्रेड ऑलरेडी हम लोगों को पहले से बन चुका है, आ चुका है ये वाला तो। हाँ ये रहा वेदांत फैशन। सर इसमें तो अभी मतलब मैंने देखा था ये वाला स्टॉक भी, पर शायद इसमें अभी इस लेवल पे बाइंग नहीं बनती क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड शायद सही नहीं आ रहा। वैसे मंथली चार्ट में बहुत बढ़िया आ रहा है। वही तो था। चार्ट नजर नहीं आ रहा आपका? सर मेरे लैपटॉप पर कुछ इशू है, शेयर कर रहा भूपेंद्र आप ड्रॉ करना। हाँ जी। सर यहां ले जाऊं या नीचे ही आ जाए? चलिए सर और नीचे कुछ के हिसाब से देखें तो नहीं, पहले लाइन को पूरा करो। अभी जो मार्केट उसके बाद कहाँ पे गया है? हाँ बस में छोड़ दो, बाकी छोड़ दो छोड़ दो। देखो यहाँ पे ये हमको नजर आ रहा है 105 ना 50, क्या होता है रेजिस्टेंस आ रहा है, देख पा रहे हैं आप लोग? हाँ जी सर, 1058। अगर ये प्राइस नीचे आता है, प्राइस नीचे आता है तो तब थोड़ा बाइंग करना बनता है। ये 1000 के नीचे आता है सही है? हाँ जी तो फिर हम उसको ना 1180 तक को टारगेट कर सकते हैं। 1180 तक। हाँ पर जो माफ किया ना लाइन, हाँ जी हाँ जी या इसको टारगेट कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन इसको थोड़ा नीचे आने देते हैं। सर एक सवाल पूछूं। हाँ सर देखो अभी तक आपने जो हमें बताया है, हमारे हाँ लिए ये तो सर हाँ यही मैजिक लाइन थी इसके हाँ लिए। हाँ नहीं ये एडवांस पार्ट है, अभी सेकंड लेवल पे आप जाओगे तो आप इसको सीख पाओगे ट्रेड्स को। ओके तो इस ठीक वाले है। केस में
थोड़ा नीचे आता है तो वहां पे लुक्रेटिव है, आप इसको वहां पर ट्राई करेंगे, अभी नहीं 1000 के आसपास आता है तब ले प्लान करेंगे। ठीक है जी। हाँ, और इसका जो स्टॉप लॉस है, जो डॉजी का लो है, वो स्टॉप लॉस रहने वाला है, 886 डॉजी 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 कैंडल का, ये सर, दोनों का सेम है, इसका भी 886 है, 8 9 8 8। इसका भी 886 है। देखो, हमारे को ऐसे करना है कि टारगेट हमें पता है 1180 का, हमारा हमारी जो एंट्री है 1:2 की आनी चाहिए, हमारे ओके को एंट्री ऐसी बनानी है 1:2 आए। देखो, 1000 में लेते तो हमारा स्टॉप लॉस कितने बैठ का बनता है, कैलकुलेट करो। 886 के हिसाब से अगर 1000 पे एंट्री लेते हैं तो सर 114, हजार लेस 886 सर 114, और 1180 बनाएंगे तो 180, देखो, 114 डिवाइड बाई 180 सर तब भी 0.6 बैठेगा, ये 1000 से नीचे लेनी चाहिए। 1000 में 8 8 60 6 को माइनस में कितना आएगा? सर 886 को माइनस किया तो 114 बन रहा है 114 क्यों बनेगा? सर, 1000 में से 886 को लेस करेंगे हाँ, 114 ही तो आ रहा है। अच्छा, इसका मतलब हमें 1000 से थोड़ा सा नीचे मिलेगा तब एंट्री करना, प्ले जल्दी छुट्टी हो हो रहा है, जाए। मतलब हाँ जी 1000 से थोड़ा सा और नीचे आता तब उसको बाइंग करेंगे, जब ठीक है भी, ये नहीं कि अभी अभी नहीं आ रहा, अगले महीने, जी तो जब भी आ रहा तब उसको प्लान करेंगे, सही है? अभी ठीक है। लेंगे तो इस टाइम हमारा आधार हमारे फेवर में नहीं आ पा रहा, हाँ जी ट्रेड अच्छा है पर आधार हमारे फेवर में नहीं, तो उसको अवॉइड करेंगे हम, क्लियर? चलिए, आ जाए पा। भी एक चार्ट और मार्क करेंगे, वेब ग्लोबल। श्याम, आप नहीं हो पा रहे हैं तो क्या कर सकते हैं, नहीं सर, लैपटॉप पे नहीं है, मैं इसलिए नहीं पा रहा हूँ। कोई बात नहीं, आप चार्ट आप उसको ट्रेड आप करेंगे करके मेरे को भेजेंगे, सही है? अब ओके आप सर, लोग को ना ट्रेड्स लेने हैं गाइस, कल का टाइम और मिला, कल बैठ के आरडी करना, सही है? कल हाँ कल जी मार्केट बंद है, कल चार्ट्स को फाइनिंग ट्यूनिंग करना, और जो भी आपको लेने हैं, यानी कि आपको इस वीक में अपने अपने ट्रेड्स को भी लेने हैं, बाकी जो आ रहे हैं वो भी लेने हैं, एटलीस्ट 5 ट्रेड आपके हाथ में होने चाहिए, 3 तो हमने अभी डिस्कस कर लिए अभी, यानी अब इम्प्लीमेंट करना है, डरना नहीं है, मतलब अंदर बढ़ना है अंदर, सही है? हाँ श्याम बोल, क्या कौन सा शॉर्ट है, मैं बनाता हूँ आप, श्याम सर, वेब ग्लोबल, स्पेल बोलो, स्पेलिंग VAI VAI। अच्छा, BH आ गया। AV। जेम्स की कंपनी है ना, इसमें क्या नजर आया आपको? देखो, अभी आपने सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क चालू नहीं करे, अगर करते हैं तो ये हमारे को नजर आ रहा है कि हम लोग अभी रेजिस्टेंस के पास हैं, ये देख पा रहे हैं आप लोग? सर ये हेलो, वाली लाइन कैसे ड्रॉ करी, मतलब किस वजह? अच्छा ओके ठीक है सर, ठीक है ये रेजिस्टेंस में, यानी कि प्राइस अभी ये 300 के आसपास आता है तब बाएंगे, ऊपर जाएगा तो हमारा रेजिस्टेंस पास में, तो कोई लुक्रेटिव नहीं है, यानी कि इसको तो अगर बाइंग करना है तो 300 के आसपास आना चाहिए इसको, तो उसका वेट करना पड़ेगा, किनको जाना है नहीं जाना है वो आर्ट है, यानी कि जब भी चार्ट पे काम करें तो शांत बैठो, एक चार्ट में 10-15 को मैं टाइम दे दो, कोई बात नहीं, आपको ना वो मैजिक मिल जाएगा जिसको जाना नहीं जाना, अभी इसमें बता रहा है चार्ट नहीं जाना, तो उसको 2 मंथ के बाद आगे नीचे तब देखेंगे, नहीं सही है? चलिए लगाए से, आपको मैं बीच में एक दिन और बुलाऊंगा, आपके डाउट्स क्लियर करते रहेंगे, सही है? डेट ठीक आपको जरूर लेने अपने वॉकशॉप पर, गुड, है चलिए, थैंक यू। ओके।